हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। आपको 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम तो पता ही है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि वो थ्योरम तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होगा। दैट मींस अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब क्या ये ट्रायंगल 90 डिग्री है? इसमें कोई एंगल नहीं अब है। यस, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक साइड तो डिफाइंड है, तो उसका नाम तो है ऑलरेडी, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एसी, इसका नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो हमने पढ़ा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एक्यूट एंगल हमने 30 डिग्री दिया है तो जाहिर सी बात है, एक 90 है, एक एक्यूट एंगल 30 है, तो बचा हुआ जो एंगल है वो कितना रहेगा? 60 डिग्री। तो वो बन जाता है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा ट्राइंगल है तो उसमें हमने पढ़ा था कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री जो है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है। दैट मींस इसका सामने वाला साइड ए बी जो है दैट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद हमने पढ़ा था साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, दैट मींस ए सामने वाला जो साइड होगा बीसी, उसका लेंथ होगा √3/2 हाइपोटेन्यूज। अब ये कंडीशन से हम कॉन्वर्स बना सकते कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 30 है, एक एक्यूट एंगल 30 है, तो उसके सामने वाला साइड कितना है? हाफ ऑफ दैट। तो अगर हमें इसका कॉन्वर्स लेना है, एंगल 30 है तो साइड ऑपोजिट हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा? इसके जगह को हम स्वैप कर देते हैं तो हमें क्या मिला? मिल गया ये कॉन्वर्स है। क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर साइड में से एक परपेंडिकुलर साइड का लेंथ अगर हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है, तो हम लिख सकते हैं उस ए बी, उस साइड के सामने वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा, है ना? दैट मींस वो होगा हमारा स्टेटमेंट। दैट मींस हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के अलावा जो दो साइड है उसमें से कोई भी एक साइड अगर हाइपोटेन्यूज का हाफ है, देन वी नो दैट द एंगल ऑपोजिट टू दैट साइड इज 30 डिग्री। अब ये है कॉन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। याद रखना, इस थ्योरम के लिए ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज डिफाइन होगा, उसी के बाद आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये जरूरी है, याद रखना। तो ये अप्लाई कब करोगे? तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हमें परपेंडिकुलर साइड्स के लेंथ दिए हैं, तो उससे हम ये फाइंड कर सकते हैं एंगल, एक्यूट एंगल का मेजर फाइंड कर सकते हैं। और जैसे ही हमें एक एक्यूट एंगल 30 मिल गया तो हमें पता है कि जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा? 60 डिग्री। इस तरीके से साइड्स के लेंथ से हम एंगल का मेजर फाइंड कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इस थ्योरम का। समझ गए? अब हम आगे वीडियो में ये पढ़ेंगे किसे अप्लाई कैसे करना है, तो ये जरूर देखना। समझ गया है तो रिवाइज जरूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और अगर आप सिमिलरिटी प्रिपेयर कर रहे हो तो 1.3 के लिए यहाँ क्लिक करें और 1.4 के लिए यहाँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।